इसकी लाउडनेस बेटर है, उसकी क्लैरिटी थोड़ी बेटर थी एंड फिटिंग काफ़ी तगड़ी दी गई है। आप कुछ भी कर लें, आप एक्टिविटीज़ कर लें, उछक कूद लें, गिर लें, पड़ लें, छत से कूद जाएं, कुछ भी कर लें, आप गिर जाओगे लेकिन कानों से बड्स नहीं गिरने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे वन प्लस का फ़ोन है, वन प्लस के ईयरबड्स है, वन प्लस की घड़ी है, और क्या चाहिए वन प्लस का। अभी रिसेंटली ही वन प्लस ने वन प्लस नॉट बड्स 2 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च करके एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। बिल्कुल आपको बढ़िया आउटपुट मिलने वाला है, बढ़िया ANC फीचर मिलने वाला है। 3000 रुपये के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स है ये इस टाइम पे। और हम लोग हालांकि काफी टाइम से वन प्लस बड Z2 को भी यूज कर रहे हैं जिसका प्राइसिंग है 5000 रुपीज। क्या आपको इस टाइम पे 2023 में 2000 रुपये और इन्वेस्ट करके Z2 की तरफ जाना चाहिए कि नहीं, वो हम इस वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंपेयर करेंगे दोनों को, क्योंकि 2000 रुपये का प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कंप्लीट अब डिटेलिंग चेक करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे कंपेरिजन, ताकि एंड तक पहुंचते सब टेस्टिंग देखने के बाद फाइनली आप डिसाइड कर पाए कि आपको 2000 रुपये इन्वेस्ट करके Z2 की तरफ जाना चाहिए या 2000 रुपये बचा के नॉट बड्स 2 की तरफ जाना चाहिए। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहां पर हम लोग सबसे पहले चेकआउट करते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the OnePlus Nord Buds 2 with the OnePlus Buds Z2 True Wireless Earbuds. Buds 2 में आपको Bluetooth version 5.3 लेटेस्ट मिलेगा, Z2 में आपको Bluetooth version 5.2 मिलेगा। दोनों में ही आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। Buds 2 में आपको 12.4mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, Z2 में आपको 11mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे। दोनों में ही आपको SBC AAC कोडेक का सपोर्ट मिलेगा और दोनों में ही आपको इंस्टेंट वीकेंड पे टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। Z2 में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट और इन ईयर डिटेक्शन फीचर भी मिलने वाला है, जो कि ये दोनों पार्ट मिसिंग है Buds 2 में। और दोनों में ही आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर और एंबिएंट मोड भी मिलने वाला है, ट्रांसपेरेंसी मोड। Buds 2 में आपको टोटल 4 माइक्स मिलने वाले हैं, 2-2 माइक्स दोनों ईयरबड्स में विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर। Z2 में आपको टोटल 6 माइक्स मिलेंगे, 3-3 माइक्स दोनों ईयरबड्स में विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर। और दोनों में आपको गेमिंग मोड मिलने वाला है, Z2 में आपको बिल्ट इन गेमिंग मोड मिल जाएगा। और दोनों में आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। और बैटरी की बात करेंगे, Buds 2 में आपको अप्रॉक्सिमेटली 5-7 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और Z2 में आपको अप्रॉक्सिमेटली 4-5 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। और वो डिपेंड करता है, अगर आप ANC के साथ दोनों को म्यूजिक सुनेंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम बैटरी लाइफ मिलेगी, बिना ANC के म्यूजिक सुनेंगे आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और दोनों के ही ईयरबड्स को आप बोल सकते हैं केस यूज करके 4 बार फुली चार्ज भी कर सकते हैं, साथ ही में दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। OnePlus Nord Buds 2 का प्राइस है अप्रॉक्सिमेटली 3000 रुपीज, OnePlus Buds Z2 का प्राइस है अप्रॉक्सिमेटली 5000 रुपीज। तो यहाँ पे देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों में आपको फीचर्स बिल्कुल बढ़िया मिलने वाले हैं, लेकिन Z2 में आपको बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट नहीं दी गई है, 2000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन OnePlus Nord Buds 2 बिल्कुल जस्टिफाई करता है। इसलिए आपको काफ़ी भर भर के फीचर्स मिलने वाले, काफ़ी तक टक्कर दे रहा है Z2 को। हल्के फुल्के आपको एनहांसमेंट मिलने वाले हैं, इन डिटेक्शन फीचर मिल जाएगा इसमें आपको Z2 में, इसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, बाकी 6 माइक्स मिलने वाले, वो हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे किसी कॉलिंग बेटर है। लेकिन देखा जाए Nord Buds 2 बिल्कुल टक्कर दे रहा है कम प्राइस पॉइंट में Z2 को भी, थोड़े बहुत एनहांसमेंट है, बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट नहीं दिए गए हैं। और अगर हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में आपको बिल्कुल ऐसे लुक एंड फील का केस मिलने वाला है, ऊपर आपको OnePlus की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड Buds 2 में आप देख सकते हैं आपको डुअल कलर का ऑप्शन मिलने वाला है, डुअल टोन यहाँ पे कलर्स यूज किए गए हैं, पूरा आपको यहाँ पे अच्छी बिल्ड का आपको यहाँ पे केस मिलने वाला है। और Z2 में आपको पूरी ग्लॉसिनेस मिलने वाली है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का केस लगता है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स लगने के चांसेस है। हालांकि मैं इसको लगभग बहुत टाइम से, जब से लॉन्च हुए हैं 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, तब से इनको यूज करो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, इसको आप केयरफुली यूज करेंगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रंट में दोनों में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, और बैक साइड में आप देखेंगे दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा और एक रीसेट का बटन मिलने वाला है। और दोनों ही आप बोल सकते हैं थोड़े से यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से मोटे केस हैं, लेकिन इसको आप आराम से पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, बैग में कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। और दोनों की बिल्ड क्वालिटी आप बिल्कुल प्रीमियम मिलने वाली है, उसको लेकर बिल्कुल बिल्कुल इशू नहीं लगा। और अगर हम केस के लॉक की बात करेंगे, दोनों का ही जो लॉक दिया गया काफी प्रॉमिसिंग दिया गया है OnePlus Nord Buds 2 को, और बेटर दिया गया है लॉक, दोनों ही बिल्कुल वैसे बंद नहीं होते हैं, आपको मैनुअली यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको प्रीमियम क्वालिटी के केस मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोनों के बड्स की, तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं जो Nord Buds 2 है काफी छोटे डिजाइन के आपको चैंपियनशिप के ईयरबड्स मिलने वाले हैं एज कम्पेयर टू Z2। Z2 में आपको यहाँ पे बिल्कुल लंबे डिजाइन के आपको ईयरबड्स मिलने वाले हैं, ग्लॉसिनेस दी गई है पूरे यहाँ पे आपको देख सकते हैं। और जो उनका जो टच कंट्रोल्स का एरिया है, बिल्कुल आपको यहाँ पे ऐसे शाइनिंग मटेरियल यूज किया गया, काफी प्रीमियम लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करेंगे दोनों के सिक्योर फिट की, यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत बेटरमेंट लगा सिक्योर फिट को लेके, कानों से बिल्कुल नहीं गिरे थे Nord Buds 2 एज कम्पेयर टू Z2, क्योंकि Z2 में ना मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, इसमें ना स्लिपरी मटेरियल काफी यूज किया गया है, तो कभी कभी ऑटोमेटिक ये बिल्कुल स्वेट आने की वजह से कभी कभी कानों से ऑटोमेटिक स्लिप होते हैं, आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको अच्छा सिक्योर फिट मिल जाएगा, प्रॉपर ईयर कप्स आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बार बार आपको कभी कभी एडजस्ट करना पड़ सकता है अगर स्वेट वगैरह आए तो।
लेकिन ये वाला जो इशू है मेरे को बिल्कुल जो नॉट बर्ड्स टू इसमें बिल्कुल फेस नहीं हुआ। अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे बिल्कुल आपको बढ़िया फिटिंग मिलने वाली है, लॉन्ग आवर्स के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ भी आप कर लीजिए, कानों से नहीं गिरते हैं। हैवी एक्टिविटीज भी करते हैं, रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, कानों से नहीं गिरते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप बेटरमेंट बोल सकते हैं सिक्योर फिट को लेकर, नॉट बर्ड्स टू एज कम्पेयर टू जेड टू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आपको शेयर किया। और अगर हम बात करेंगे दोनों के जो एप्लीकेशन सपोर्ट दिया गया है, मैंने ना दोनों को ही बिल्कुल यहाँ पे वन प्लस नाइन आर मेरे पास फोन है, इससे मैंने टेस्टिंग की हुई है, तो इस हिसाब से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मुझे मिला दोनों ईयरबड्स के थ्रू। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नॉट बर्ड्स टू की, तो यहाँ पे जो ब्लूटूथ की सेटिंग्स है वहाँ पे मेरे को जाकर कोई ईयरबड्स का फंक्शन नहीं दिखा, सिंपली जो हे मेलेडी एप्लीकेशन का सपोर्ट है दोनों ही ईयरबड्स सपोर्ट करते हैं। नॉट बर्ड्स टू में आप जाएंगे हे मेलेडी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट राइट ईयरबड्स की जो केस की बैटरी परसेंटेज आप चेकआउट कर सकते हैं, जो नॉइस कैंसिलेशन फीचर है, ट्रांसपेरेंसी मोड है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स मिल जाएंगे, इसमें आपको बैलेंस मोड, बोल्ड मोड, सेरेनेट मोड, बेस मोड मिल जाएगा। इसमें आपको बेस वेव टेक्नोलॉजी भी दी गई है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपका आउटपुट कैसे चाहिए। बेस पार्ट को लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे आउटपुट दोनों के थ्रू कैसा है। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपका आउटपुट कैसा चाहिए, प्रॉपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। और इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलने वाला है। टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो टच कंट्रोल से लेफ्ट और राइट ईयरबड्स है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि सिंगल टैप से क्या हो, डबल टैप से क्या हो, ट्रिपल टैप से क्या हो, टच एंड होल्ड से क्या हो, और लॉन्ग टच एंड होल्ड से यहाँ पे आपको स्विच ऑप्शन दिया गया है, डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन दिया गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे Z2 की, तो Z2 में मेरे को प्लस पॉइंट ये लगा जैसे मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, तो यहाँ पे आप सिंपली जैसे आएंगे ब्लूटूथ सेटिंग्स में, तो यहीं पर ही मेरे को दिखा दिया ईयरबड्स का फंक्शन है, यहाँ पे दिखा दिया मेरे को सारे के सारे इसके कस्टमाइजेशन। यहाँ पर आपको मिलने वाला है लेफ्ट राइट और जो केस का बैटरी परसेंटेज, इसमें भी आप चेकआउट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे आपको नॉइस कैंसिलेशन फीचर, ट्रांसपेरेंसी मोड, इसमें आपको मैक्स नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी दिया गया है। एंड साथ ही में जो इक्वलाइजर मोड्स हैं इसमें भी आपको सेम इक्वलाइजर मोड्स मिल जाएंगे, बैलेंस मोड, बोल्ड मोड, सेरेनेट मोड, बेस मोड, आप प्रॉपर कस्टमाइजेशन भी कर पाएंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही में इसमें जो टच कंट्रोल्स है लेफ्ट ईयरबड और राइट ईयरबड के टच कंट्रोल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैच क्या हो, एंड इसमें भी आपको यहाँ पे डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसमें आपको इन डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप किसी भी ईयरबड्स को कानों से बाहर निकाल देंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस कानों में लगा देंगे म्यूजिक प्ले हो जाएगा, सही तरीके से ये वाला फीचर वर्क करता है। ये वाला फीचर मिसिंग है नॉट बर्ड्स टू में। और साथ ही में एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईयरबड फिट टेस्ट कर सकते हैं, क्विक गाइड, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं। और इसमें मुझे यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिख गया, जो कि मेरे को ये वाला पार्ट मेरे फोन में पर्टिकुलर नहीं दिखा था वन प्लस नॉट बर्ड्स टू में, लेकिन किसी किसी के फोन में दिखा रहा है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं दिखाया नॉट बर्ड्स टू में, लेकिन जेड टू में मेरे को यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिल गया। आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस तो आपको कैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स चाहिए, सराउंडिंग इफेक्ट्स आपको कैसे चाहिए, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, यहाँ से आप कर पाएंगे। और अगर हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की, वन प्लस नॉट बर्ड्स टू में आपको यहाँ पे 40 से 50 मिलीसेकंड के आसपास आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया, उसमें आप ऑन करके आप बोल सकते हैं 40 से 50 मिलीसेकंड के आसपास आप लेटेंसी ले पाएंगे। और ऐसे कोई गेमिंग मोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है Z2 में, इसने आपको बिल्ट इन क्लेम किया है 94 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी। मैंने ना पर्सनली दोनों को ही वन प्लस नाइन आर में मैंने खेले थे गेमिंग, तो यार मुझे ना वन प्लस नाइन आर फोन है तो हो सकता है वन प्लस का फोन है सपोर्ट करता है, बिल्कुल कंपेटेबल है, तो मुझे ज़्यादा लेटेंसी दोनों में ही फील नहीं हुई, मेरे को ऑलमोस्ट दोनों में सेम एक्सपीरियंस मिला। लेकिन अगर आप दूसरों को फोन यूज़ करते हैं तो आप, मैं बोल सकता हूं आपको कि नॉट बर्ड्स टू की तरफ जा सकते हैं, उसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलने वाला है, आपको थोड़ा बहुत लेटेंसी मिल सकती है Z2 में एज कम्पेयर टू वन प्लस नॉट बर्ड्स टू, क्योंकि जो वन प्लस नॉट बर्ड्स टू इसमें आपको 47 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी क्लेम की है, इसमें आपको 94 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिलने वाली है। वन प्लस का फोन यूज़ करते हैं दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई दूसरा फोन यूज़ करते हैं तो आपको बेटरमेंट मिलेगी गेमिंग पार्ट को लेके नॉट बर्ड्स टू में एज कम्पेयर टू Z2। और अगर हम बात करेंगे दोनों के कॉलिंग एक्सपीरियंस की, नॉट बर्ड्स टू में आपको टोटल 4 माइक्स मिलने वाले हैं, 2-2 माइक्स दोनों ईयरबड्स में, इसमें आपको 6 माइक्स मिलने वाले हैं, 3-3 माइक्स दोनों ईयरबड्स में। एक मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की हुई है, बिल्कुल आप देख लीजिए आउटडोर कंडीशन की दोनों के थ्रू कैसी है। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। अच्छा, अभी मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ वन प्लस नॉट बर्ड्स टू का, वन प्लस बर्ड्स जेड टू के साथ। हाँ। दोनों में ANC मोड है। अब मैं फिलहाल नॉट बर्ड्स टू से बात कर रहा हूँ, सही ANC मोड ऑन करके ऑफिस के बाहर आउटर कंडीशन में रोड साइड पे, तो मेरी आवाज समय कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है और लाउडनेस भी अच्छी है। काफी अच्छी थी बैकग्राउंड की, तुम्हें आपकी गाड़ी जा रही है काफी उनकी आवाज तुम्हें आ रही है? नहीं, इतनी मैटर नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारी आवाज काफी हद तक फोकस है। अच्छा। और वोकल्स क्लियर है, अच्छे खासे क्लियर है। ठीक है, अब मैं तुमसे ना बर्ड Z2 से बात करूंगा, बताना कौन सा बेटर है। हाँ दीक्षा, अब मैं तुमसे ना बर्ड Z2 से बात कर रहा हूँ। हाँ। आउटर कंडीशन में अब तुम्हें कंपैरेटिवली मेरी आवाज कैसे आ रही है? आवाज इसमें भी अच्छे समझ में आ रही है, लेकिन उसकी कॉलिंग मुझे ज्यादा बेटर लग रही थी। मतलब किस पर्पस में, लाउडनेस के मामले में, क्लैरिटी के मामले में, किस पर्पस में? इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी थोड़ी सी उससे मतलब वो वाली ज्यादा बेटर लग रही थी, इसकी थोड़ी कम। अच्छा। है उससे, लेकिन है इसकी भी अच्छी, लेकिन अगर कंपेयर करें तो उसकी ज्यादा बेटर थी और इसकी लाउडनेस थोड़ी सी बेटर है। इसकी लाउडनेस बेटर है, उसकी क्लैरिटी थोड़ी बेटर थी। हाँ
अच्छा ठीक है दीक्षा, थैंक यू। हाँ बाय। तो कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा किसने आपको कैसी कॉलिंग मिलने वाली है। मेरी वाइफ बोली थी दोनों की ही कॉलिंग काफी बढ़िया दी गई है, बैकग्राउंड की एक्टिविटीज काफी हद तक कैंसिल कर देंगे दोनों ही ईयरबड्स को, मैंने ANC मोड ऑन करके बातचीत की हुई है। लेकिन वो बोली थी कि नॉट बर्ड्स टू है इसमें एडिकेट लाउडनेस दी गई है, क्लैरिटी ज्यादा अच्छी दी गई है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू Z2, और Z2 में लाउडनेस काफी अच्छी दी गई है और क्लैरिटी हल्की फुल्की आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, हल्की फुल्की आपको बेटर लग सकती है नॉट बर्ड्स टू की। कॉलिंग के लिए आप दोनों में से किसी को भी ग्रैप कर सकते हैं, कॉलिंग आपको दोनों में ही परफेक्ट मिलने वाली है। मेनली अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, प्रोफेशनल मीटिंग्स करते हैं, दोनों में से किसी को भी ग्रैप कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए कम प्राइस पॉइंट में नॉट बर्ड्स टू बिल्कुल टक्कर दे रहा है Z2 को, कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको कॉलिंग काफी बढ़िया मिलने वाली है, कॉलिंग आपको दोनों में ही काफी इंप्रेसिव मिल जाएगी। बात करेंगे अब हम साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। भाई यहाँ पर आपको दोनों में ही बिल्कुल परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया एप्लीकेशन पार्ट से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाउडनेस आपको दोनों में बढ़िया मिल जाएगी, ऐसे आपको डिस्टॉर्शन बिल्कुल फील नहीं होगा। और अगर हम बात करेंगे दोनों के आउटपुट को लेके तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया। अगर आप बिल्कुल हार्ड कोर लवर हैं, म्यूजिक लवर हैं, अपने हिसाब से आप ट्रेवल्स भी सेट कर सकते हैं, वोकल से फोकस डालना है आपको कैसा आउटपुट चाहिए, सरेंडर मोड में जाएंगे तो जो वोकल्स है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी, बेस काफी कम कर देगा, बेस बूस्टेड मोड में जाएंगे आपको सराउंडिंग और पावरफुल बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। और जो नॉट बर्ड्स टू में बेस वेव टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इसमें जो सेट करने का ऑप्शन दिया गया है बेस वेव लेंथ को, वो मुझे बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट नहीं लगी। आपको माइन्यूट सा कहीं ना कहीं डिफरेंस लग सकता है लेकिन ज्यादा एनहेंसमेंट नहीं लगी मुझे। लेकिन दोनों में ही मैं बिल्कुल बोलूंगा आपको बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट मिलने वाला है, म्यूजिक और बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है और कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल टक्कर दे रहा है नॉट बर्ड्स टू Z2 को, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है मैं बोलूंगा। आपको माइन्यूट से कहीं ना कहीं लग सकता है, अगर आप डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यूज करते हैं तो आपको हल्का फुल्का एनहेंसमेंट लग सकता है, लेकिन दोनों का आउटपुट बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलने वाला है, म्यूजिक और बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप हार्ड कोर म्यूजिक लवर हैं और बेस लवर हैं, दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे दोनों के तो ANC फीचर दिया गया है, ANC फीचर भी दोनों का ही बिल्कुल तगड़ा दिया गया है, दोनों के ANC को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी और मैं ज्यादा डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाया। हालांकि Z2 में आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन और मैक्स नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया गया है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा दोनों में ही, हल्का सा मेरिट सा बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको बिल्कुल परफेक्ट ANC मिल जाएगी। 90% तक बैकग्राउंड एक्टिविटीज कैंसिल कर देंगे दोनों ही ईयरबड्स जैसे आप ANC मोड में ऑन करेंगे, दूर की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं पता करने वाली है आपको, बिल्कुल नहीं पता चल पाएगी। सामने कोई बोलेगा धीरे धीरे बोलेगा नहीं सुनाई देगा, सामने थोड़ा तेज बोलेगा तब सुनाई देगा, दोनों ही ईयरबड्स में दोनों का ANC फीचर बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है, दोनों को मैं इक्वली रखूंगा ANC पार्ट को लेके भी। यहाँ पे देखा जाए भाई मैंने आपको सब डिटेलिंग बता दी, सब प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन बता दिया किसमें आपको बेटरमेंट मिलने वाली है किसमें नहीं मिलने वाली है, और एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, भाई यहाँ पे देखा जाए कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से नॉट बर्ड्स टू बिल्कुल जस्टिफाई करता है, बहुत सारे आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। और Z2 में 2000 रुपये का डिफरेंस है मेरे हिसाब से, अगर आपको 2000 रुपये बचाने हैं इस टाइम पे, अगर आपको इन डिटेक्शन फीचर चाहिए, आपको गूगल फास्ट पेरिंग का सपोर्ट चाहिए, बाकी जो एनहेंसमेंट है इतनी मुझे ज़्यादा खास एनहेंसमेंट नहीं लगी, थोड़ी बहुत एनहेंसमेंट दी गई है, लेकिन वन प्लस नॉट बर्ड्स टू बिल्कुल जस्टिफाई करता है। अगर आपको पैसे बचा के एक ओवरऑल बढ़िया आउटपुट चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मेरे हिसाब से इस टाइम पे आप नॉट बर्ड्स टू की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो मैंने डिफरेंसेस बता दिए हल्के फुल्के जो बेटरमेंट दी गई अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है ऑफर्स या डील्स में, इसको भी आप 4500 रुपीज के आसपास 4200 रुपीज के आसपास भी आते हैं उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। मैंने आपको सब बता दिया इस टाइम के हिसाब से वन प्लस नॉट बर्ड्स टू बिल्कुल जस्टिफाई करता है, 3000 रुपये बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स है विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर। सारे के सारे मैंने दोनों के ही पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके इनको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द वन प्लस नॉट बर्ड्स टू विद द वन प्लस बर्ड्स Z2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.